बाधिन के गांव मिंडकोला में नियमों और आमजन की सुरक्षा को ताक पर रख जर्जर घोषित भवन में प्रसूति केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र चलाया जा रहा है। साल 1969 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री खुर्शीद अहमद ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ किया था, लेकिन करीब 2.5 वर्ष पहले ही ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। बावजूद इसके जर्जर घोषित इस इमारत में आमजन की सुरक्षा को दांव पर लगाकर अभी भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा यहां प्रसूति केंद्र चलाया जा रहा है। प्रसूति केंद्र की दीवारों और छत से जगह जगह प्लास्टर गिरता रहता है, लेकिन चिकित्सकों, स्टाफ नर्स, प्रसूताओं और तीमारदारों की जान की फिक्र ना तो सरकार को है, ना ही सरकार के नुमाइंदों को है और ना ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को। इस स्वास्थ्य केंद्र की इस बदहाली के ये हालात तो अब हैं, जब प्रदेश की सत्ता में काबिज बीजेपी पार्टी का हथीन विधानसभा क्षेत्र का विधायक प्रवीण डागर इसी गांव के निवासी हैं, फिर भी किसी को कोई परवाह नहीं है। परिसर में बैठने के लिए जगह ना होने के कारण रिहायशी क्वार्टर में डॉक्टरों और अन्य स्टाफ के बैठाने की व्यवस्था की हुई है, जिसके कारण मजबूरीवश जर्जर पड़े रिहायशी क्वार्टर में स्टाफ जान जोखिम में डालकर रह रहे हैं। जब हमारी टीम ने प्राथमिकता केंद्र का निरीक्षण किया तो पता चला कि केंद्र पर कोई चिकित्सा अधिकारी भी मौजूद नहीं था। प्रसूति केंद्र भी स्टाफ नर्स के भरोसे चल रहा है। पूछने पर पता चला कि एक डॉक्टर की ड्यूटी लगी हुई थी, लेकिन जिला अस्पताल में कोविड-19 में ड्यूटी लगी होने से 3 दिन में एक बार ही केंद्र पर आते हैं। आपातकाल में मरीजों को हथीन या पलवल लेकर जाने को ग्रामीण विवश है। ये कुछ भी नहीं सर, जब डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर कभी बोलते हैं भाई वह कोरोना में हथीन ड्यूटी लगा रखी है, एक दिन आता है तो बोल देते भाई एक दिन आएगा 2 दिन नहीं आएगा, उसके बाद डॉक्टर मिलता नहीं मिलता, ये बोल देते भाई शनिवार को हाफ डे तक रहता उसके बाद नहीं मिलता। बिल्डिंग खंडर बिल्डिंग है यहाँ पर मरीज आके। वहीं जिस डॉक्टर की ड्यूटी यहाँ लगी हुई है वो 10 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुँचे। जब हमारी टीम और इलाज कराने यहाँ पहुँचे, लोगों ने डॉक्टर से देरी से आने का कारण पूछा तो उन्होंने क्या बताया वो आप ही सुन लीजिए। ड्यूटी यहाँ पे तो 9 से ही हमारी। टाइम क्या हो रहा है भाई साहब? अरे नहीं, यहाँ तो 9 से होती है। भाई साहब मैं सिविल हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। टाइम क्या हो रहा है? इसमें जो डॉक्टर साहब जो डिलीवरी जो इसमें होती है ये सुनो, टाइम हो रहा है 10 बजे और मैं सिविल हॉस्पिटल से। अच्छा ठीक है, यहाँ और भी मेरे को काम है, किट विट लेके आनी है कोरोना टेस्ट शुरू करने से। अच्छा, ये सब चीजें देखनी। डॉक्टर साहब डिलीवरी के जो बिल्डिंग है ये कंडम हुई पड़ी है, कब से चल रही है इसमें? इस बारे में पलवल जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह से बात की तो उन्होंने क्या कुछ बताया, चलिए आपको सुनवाते हैं। जी मैं बताना चाहूंगा कि जो मिडकोला है वहाँ पर प्रस्तावित है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC बनाना, और इस समय वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, और उसके अलावा वहाँ पर 5 आस पड़ोस में 5 और सब सेंटर्स हैं जो कि कार्यरत हैं वहाँ पर। लोग जो वहाँ की बिल्डिंग है वो मेरे नॉलेज में आई और उसके बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत भी कराया गया, और उस विषय के अंदर उन्होंने बजट इसके लिए सेंक्शन किया है जो कि ऑलरेडी PWD डिपार्टमेंट को दे दिया। जब इस विकट समस्या के बारे में मिंडकोला के निवासी और हथीन से सत्तारूढ़ भाजपा के वर्तमान विधायक प्रवीण डागर से बात करनी चाहिए तो उन्होंने इसके बारे में कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया, जिससे ये साबित होता है कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के वादे करने वाली सरकार के सभी वादे और दावे मात्र ढकोसला है। जमीनी स्तर पर हालात बद से बदतर हैं। विधायक के रवैये को देखकर ऐसा लगता है कि विधायक का भी सरकार से भरोसा उठ चुका है। सत्य खबर के लिए पलवल से मुकेश बघेल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।